बदलाव की नींव शुरुआत होती है, बदलना है अब लड़ना है। जी हाँ, मैं फिल्म छपाक के बारे में बात कर रही हूँ जो 10 जनवरी को रिलीज होने जा रही है, और आज हम मौजूद हैं उसी के प्रेस शो पर। तो आइए जानते हैं रिपोर्टर्स से कि उनको छपाक मूवी कैसी लगी। मैंने छपाक फिल्म देखी, फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही इमोशनल मूवी है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको फिल्माया गया है। दीपिका ने खुद को लक्ष्मी के अंदर ढाल दिया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल फिल्म है, जैसा कि डायलॉग कहा गया, एक ही चीज़ दिमाग में रट गई है, बिकता नहीं तो शायद फिकता भी नहीं। फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म एक बहुत बड़े सोशल इशू से डील करती है और इशू से प्रीची नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से एक कहानी में पिरो करके आप तक पहुँचाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि रियल कहानी है, मगर बावजूद उसके आपको बांध कर रखती है, आपको आप उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं, और जब उसकी ज़िंदगी में वो हादसा होता है तो आपका दिल दहल जाता है। तो डेफिनेटली ये फिल्म जो है अपने मुकाम तक पहुंच गई है, ऐसा मैं कहूँगी। आई थिंक मैं इतना अल्ट्रा क्रिटिकल होना नहीं चाहूँगा, बस ये है कि शायद फिल्म थोड़ी बेहतर हो सकती थी, बट ओवरऑल ऑब्वियसली इट्स अ वेल मेड फिल्म और जो अपना ये मैसेज देना चाहती है वो काफ़ी स्ट्रांगली देती है। छपाक फिल्म अच्छी है, जैसे कि आप तो सब जानते हैं कि लक्ष्मी अग्रवाल के लाइफ पर है एक बायोग्राफी है। राइट फ्रॉम द डे वन व्हेन द फिल्म का जब पोस्टर लॉन्च हुआ था, इट बहुत ही चर्चा में थी। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए गए। जहाँ तक मेघना गुलजार का सवाल है और उनका साथ दे रही हूँ दीपिका, तो इतना पता था। मैं इसमें एक नाम और ऐड करना चाहूँगी, रुचा पाठक जो फॉक्स की हैं, क्रिएटिव हेड हैं, और उन्होंने हमेशा चाहे वो निर्जा हो या कुछ और दूसरी फिल्में हो, महिला प्रधान फिल्मों को बहुत आगे बढ़ाया, और उस कड़ी में ये एक बहुत खूबसूरत पेशकश थी। बेहतरीन फिल्म है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर बेटी को, हर लड़की को, हर माँ को देखनी चाहिए। आई थिंक दीपिका का थोड़ा आई थिंक सेकेंड हाफ में उनकी जो है एक परफॉर्मेंस में कहूँगा थोड़ी बेहतर है, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ में जिस स्टोरी जिस तरह प्ले आउट होती है फर्स्ट हाफ में, तो उसमें हमें उनके इतने डायलॉग्स भी सुनने नहीं मिलते हैं। बट जो फिल्म का जो मेन जिसे कहेंगे हाई पॉइंट है या जो मेन उसका जो मोटिव है वो सेकेंड हाफ में ही आता है, और वहीं पर हमें दीपिका की एक्टिंग देखने को काफ़ी अच्छी मिलती है। डेफिनेटली दीपिका पादुकोण, देखो मैं दीपिका पादुकोण के टैलेंट पर, उनके जो लुक है उस पर जो मेहनत की गई है वो उस पर मेरी कोई दो राय नहीं है, मतलब आएगी वो 100% क्रेडिट फॉर इट। बहुत अच्छी, आउटस्टैंडिंग, नेचुरली वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहीं भी इस तरह से नहीं किया कि वो दीपिका पादुकोण है। दीपिका, अब जाहिर सी बात है दीपिका है, दीपिका एंड मालती बहुत अच्छे तरीके से, मैं बोला ना खुद को उसमें डालिए, जो भी उसने एक्टिंग की है बहुत सुपर है, और प्लस विक्रांत, विक्रांत का और उन्होंने केमिस्ट्री भी अच्छी बताई है, और जिस तरीके से विक्रांत ने काम किया है, जिस तरीके से साथ दिया है, उसका भी काम बहुत अच्छा है। इस फिल्म में विक्रांत मेसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कैरेक्टर प्ले किया, जिनका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपिका की एक्टिंग के बारे में क्या कहना, दीपिका जो किरदार करती है वो उसमें ढल जाती है, कोई ऐसा किरदार नहीं है, वो पीकू करती है तो पीकू जैसे नजर आती है, वो पद्मावती करती है तो पद्मावती जैसे नजर आती है, और इस फिल्म में तो उन्होंने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जहां वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर की भूमिका में दीपिका नजर ही नहीं आती, आपको वो लक्ष्मी का किरदार नजर आता है, उनका मेकअप, उनका मैनरिज्म, उनका चलने का तरीका, बात करने का तरीका, उस क्लास को समझने का तरीका, शी इज एट पार। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप दीपिका को भूल जाएंगे, आप मालती को साथ ले जाएंगे, उस किरदार को उन्होंने इतना बखूबी जिया है कि आपको कहीं से लगेगा नहीं है शी इज दीपिका पादुकोण, शी इज मोर ऑफ मालती देन दीपिका पादुकोण। फिल्म को दूंगा 3 स्टार। मैं इसको 4 देना चाहूंगी। मैं 5 में से 4 दूं। And I like to give 5 stars for this film. मैं फिल्म को दूंगी 4 स्टार। फिल्म में ये जरूर कहा गया है कि छपाक से पहचान ले गया। जी हाँ, छपाक एक ऐसी मूवी होने वाली है बॉलीवुड में जो एक छाप छोड़ के जरूर जाएगी। फिल्म छपाक 10 जनवरी को रिलीज होने जा रही है, आप खुद जाइए थिएटर्स में और आपके कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको फिल्म छपाक कैसी लगी। तब तक स्टे ट्यून्ड विद बॉलीवुड नाउ, दिस इज पूजा पटेल हियर साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन करण।